Hello student, today we are discuss our next poem, My Grandmother House, composed by Kamala Das. In this poem, the poet reminds her grandmother old house where he lived in her childhood. First of all, we discuss introduction to the poetess Kavyatri ka parichay. ये कोई कोई कैसे नहीं तबियत कमला सुरैया कमला दास को कहना कमला सुरैया कमला सुरैया वाई कमला सुरैया बाय बोर्न ऑन 31st March 1934 एंड डाइड ऑन thirty first May 2009 popularly known by her one time pen name popularly known by one time by her one time popularly known by her one time pen name means nickname book now one time pen name माधवी कुट्टी माधवी कुट्टी उनका जो पेन नेम था उपनाम था किस नाम से जानी जाती थी पॉपुलरली माधवी कुट्टी एंड मैरिज नेम मैरिज नेम कमला दास ये मलयालम कवियत्री थी जो इनकी जो मैरिज नेम था वो था कमला दास क्योंकि जो इनके हस्बैंड थे उनका दास कहीं था उधर की साइड हस्बैंड का नेम भी जरूरी था कुमार माधव दास इनके हस्बैंड का नेम था इनको नाम मिला कमला दास इनका अपने माधुरी कुट्टी पॉपुलर नॉन बाई हर वन टाइम पेन नेम माधुरी कुट्टी एंड मैरिज नेम कमला दास मैरिज नेम कमला वाज एन इंडियन इंग्लिश पोएट वाज एन इंडियन इंग्लिश as well as a leading Malayalam author.
लीडिंग मलयालम 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 ऑथर ऑथर मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला फ्रॉम ऑथर मलयालम जो वर्क लिखता है वो ऑथर कोई क्या जब कोई भी लिखता है तो कोई कमला सुरैया वाज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 एंड डाइड ऑन 31 मई 2009 पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवी पुत्री एंड मैरिज नेम कमला दास वाज एन इंडियन इंग्लिश पोइट एज वेल एज लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला नेटिव पैलेस केरला मलयालम including
वुमेन्स इश्यू, वुमेन्स इश्यू औरत के मुद्दे, चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अमंग अदर्स। ये था कमला दास का संपर्क परिचय। कमला दास हालांकि अच्छी इंडियन पोइट थी, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो पूरी दुखों से भरी हुई थी। इनके हस्बैंड ने भी इनको छोड़ दिया था। अब हम इनके इसके कुछ वर्ड्स वगैरह पोइट इसके कमला दास थी जो इनकी जो पर्सनल लाइफ थी, हालांकि ये इंडियन पोइट ग्रेट इंडियन पोइट थी, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो पूरी दुखों से भरी हुई थी। आप पढ़ना, ये अपनी पोयम के लिए काफ़ी था। जब इनको इनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था तो ये अपनी ग्रैंड माँ के पास ही रही थी, तो उस वजह से इनकी और इनकी माँ का लगाव बहुत अच्छा था। इसमें ये भी झलक दिखती है। अब इनके कुछ वर्ड्स है, आप याद रखना, नोवेल है ये, अल्फाबेट ऑफ लस्ट नोवेल, नोवेल है पंजाब अल्फाबेट ऑफ लस्ट। The Silence, 1960।
साइलेंस 1964 समर इन कलकत्ता समर इन कलकत्ता समर इन कलकत्ता 1965। मैं आपको बता दूं ये समर इन कलकत्ता है, ये एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, और जो आपकी जो पोयम है माय ग्रैंडमदर हाउस, ये भी समर इन कलकत्ता का ही एक पार्ट है। समर इन कलकत्ता 1965 द डिसेंडेंट द डिसेंडेंट 1967 सन केवल मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन टीचर कंपटीशन आते हैं, आप चाहो तो पोएम का नाम याद रख सकते हो। द साइलेंस समर इन कलकत्ता द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम्स माई स्टोरी और माई ऑटोबायोग्राफी है। ये इनकी ये जो मैंने आपको लिखा है द साइलेंस समर इन कलकत्ता द डिसेंडेंट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम, ये इनके वर्क है। लेकिन क्या है, ये सब पोयम है और एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी। इनकी जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा इनकी पूरी जीवनी है, इनके साथ क्या क्या घटित हुआ, इनकी लव लाइफ कैसी थी, मैरिड लाइफ कैसी थी, चाइल्डहुड कैसा था, इसमें उनका पूरा वर्णन है। क्या नाम है उसका, माई स्टोरी 1976। अब इनको जो अवार्ड मिले हुए थे केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिनको अवार्ड दिए गए थे, अवार्ड इनको तो दिए गए थे 1968 केरला साहित्य केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये स्टेट वाइज अवार्ड था जो केरल की तरफ से इनको दिया गया था, और जैसा आप जानते हो ऐसी हो जो पोइटेज थी नेटिव पैलेंस केरल ही था। केरल स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें अपना केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड 1968 में दिया, और 1985 में इनको केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश कलेक्टेड पोएम्स के लिए केंद्रीय साहित्य अकेडमी
केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और किस कारण से दिया गया, तो इंग्लिश कलेक्टिव पोयम जो इनकी कलेक्शन ऑफ पोयम थी उनके कारण इसे इन्हें केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में दिया गया था। ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में इनकी पोयम की समरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।